हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, क्रंची, नमकीन, बाजार जैसी मूंग की दाल, जो हम बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। उसके लिए हमने पॉलिश की हुई मूंग की दाल को 4 से 5 घंटे तक अच्छे से भिगाकर रख दिया है। अब हमें इसका पानी अलग करना है। इसके लिए हम इसको छान लेंगे। पानी निकालने के बाद हमें भीगी हुई दाल को एक साफ सुथरे रुमाल पे निकाल लेना है। हमें इसका पानी थोड़ा थोड़ा सुखा लेना है। इसको हम फैलाकर अच्छे से 10 मिनट तक रख देंगे, जिससे कि इसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा कम हो जाए। हमें इसी रुमाल से इसे थोड़ा सा ढककर रख देना है। ये सूखने तक हमने गैस पे तेल को गरम करने के लिए रख दिया था। तेल गरम होने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें भीगी हुई मूंग की दाल को डालेंगे और अच्छे तक क्रंची होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल भी क्रंची हो चुकी है। अब हम इसको टिश्यू पेपर पे निकालेंगे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर पे ही लगा रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से हमें सारी दाल को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। हम इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या तो नींबू। हम अपने अकॉर्डिंग इसमें हमारा स्वाद मिक्स कर सकते हैं। अब हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारी नमकीन मूंग की दाल बिल्कुल भी तैयार है, बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।